नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, कहा मानवता के लिए विश्व को आतंक के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सामूहिक जिम्मेदारी और बहुपक्षवाद का आह्वान किया, कहा शांति और सौहार्द समय की मांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि के लिए सभी विभागों से विभिन्न एजेंसियों के लंबित भुगतान में तेजी लाने को कहा। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में हमीरपुर और त्रिपुरा की बादरघाट सीट बरकरार रखी। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने पाला सीट और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सीट जीती। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी वर्षा जारी और पी कश्यप कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के नेताओं से मानवता के खातिर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने को कहा है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और विश्व को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर बटा हुआ विश्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मुख्य उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसकी स्थापना ही हर तरह के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हुई थी। उन्होंने कहा कि शांति और सद्भाव समय की जरूरत है। उन्होंने शिकागो में स्वामी विवेकानंद के कहे शब्दों को याद किया जब उन्होंने विश्व समुदाय से मतभेदों को भुलाने की अपील की थी। यूएन पीसकीपिंग मिशन्स में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है, और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। विश्व के मामलों में नई दिशा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से मांग करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुपक्षवाद और सामूहिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि जन भागीदारी से जन कल्याण के भारत के नारे को अब जन कल्याण से जग कल्याण का रूप दिया गया है। हमारा प्राण तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्याण, और ये जन कल्याण भी सिर्फ भारत के लिए नहीं जग कल्याण के लिए हो। जन कल्याण से जग कल्याण, और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अपने 18 मिनट के संबोधन के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री ने कहा जलवायु परिवर्तन पर भारत की भूमिका बहुत छोटी है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भारत की भूमिका बहुत बड़ी है। अगर इतिहास और पर कैपिटा एमिशन के नजरिए से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अग्रणी देश है। और अब और जानकारी के लिए सीधे बात करते हैं न्यूयॉर्क में मौजूद अपने विशेष संवाददाता अतुल तिवारी से। जी अतुल, संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री के संबोधन के क्या मायने हैं और इससे संदेश क्या जाता है? जी लवलीन, प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र को संबोधन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का और कई मायनों में दुनिया के रुख का प्रतीक है। प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक विश्वव्यापी मुहिम को गति देने की जरूरत हो। जो भी बातचीत हुई हो, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप हो या फिर इटली या फिर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, यह बात उभर कर आई है कि वे इस लड़ाई में भारत के साथ हैं और मिलकर लगाम कसने की तैयारी करेंगे। तो इससे यह संकेत मिलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में ये देश भारत के साथ रहेंगे। लवलीन जी अतुल, जलवायु परिवर्तन और विकास में जो सहयोग के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की अपील का क्या असर दिख रहा है वहाँ?
जी ललिन, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री की अपील का यहाँ जबरदस्त स्वागत हुआ है। स्वच्छ भारत की मुहिम हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन या फिर सौर ऊर्जा में भारत की पहल या फिर गांधी सौर ऊर्जा पार्क के जो प्रयास हैं उन्हें एक अभिनव प्रयास के रूप में देखा गया है। लवलीन जी, अतुल, संयुक्त राष्ट्र के संबोधन के बाद अब प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है? संबोधन के बाद प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाहर मिलेंगे। इसके बाद उनका भूटान और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। इसके बाद वे स्वदेश रवाना हो जाएंगे। लवलीन, अतुल, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमरीका ने प्रधानमंत्री से हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने को कहा है। आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 74वें अधिवेशन के दौरान मीडिया से विशेष बातचीत में दक्षिण और मध्य एशिया के लिए कार्यभार सहायक सचिव एलन वेल्स ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कमी, भारत में घुसपैठ की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई पर निर्भर करता है। कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश के बारे में पूछे जाने पर सुश्री वेल्स ने कहा कि वो ऐसा कर सकते हैं जब दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हों। सुश्री वेल्स ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर दोहरा मानदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक तरफ कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं जबकि चीन के शिनजियांग प्रांत में नजरबंद लगभग 10 लाख उइगर और अन्य तुर्की भाषी मुसलमानों की दुर्दशा की अनदेखी कर रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वायु प्रदूषण की वजह से आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो दिन प्रतिदिन जानलेवा होती जा रही है। अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए हमें आपका डोनेशन चाहिए। डोनेशन देने के लिए रेड लाइट पर अपनी कार बंद कर दें। आपका ये छोटा सा डोनेशन है पर्यावरण में बड़ा योगदान, और यही है आपका ग्रीन गुड डीड। ग्रीन गुड डीड्स मतलब कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण हित में जारी। ओले ओले ओले, सोनक। हेलो, कौन? नमस्कार, हम 10 बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं, जल्द मिलते हैं। हेलो हेलो हेलो, आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट। दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना, साथ में जिंक भी देना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बेटा, कहाँ चले? मैं चला पार्क। वहाँ होंगे कॉलोनी के सारे बच्चे, हम सब मिलकर चलाएंगे स्वच्छता का अभियान। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम 2 अक्टूबर से पहले लगभग 2 सप्ताह तक देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाते हैं। इस बार यह 11 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान हम अपने अपने घरों से बाहर निकलकर श्रमदान के जरिए महात्मा गांधी को कार्यांजलि देंगे। पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव रखेंगे। स्वच्छता का ये अभियान चलाना है और सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाना है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सभी मंत्रालयों से अगली 4 तिमाही के लिए पूंजीगत व्यय की विस्तृत जानकारी देने को कहा है ताकि सरकार आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सके। प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों और वित्तीय सलाहकारों से चर्चा के बाद संवाददाता सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक का उद्देश्य सभी सेवा प्रदाताओं के बकायों का भुगतान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मंत्रालयों ने आपूर्तिकर्ताओं, जिनमें से अधिकतर लघु सूक्ष्म मझोले उद्यम हैं, उनके वस्तु और सेवा कर के बकाये के भुगतान कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी भुगतान अगले कुछ दिन में कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे बकाया बिलों के जल्द से जल्द भुगतान के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर आयुक्त और संयुक्त आयकर आयुक्त स्तर के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। इससे पहले भी बोर्ड ने 49 अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हमीरपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत दर्ज की है।
भाजपा उम्मीदवार युवराज सिंह ने समाजवादी पार्टी के मनोज प्रजापति को 17,771 मतों से हराया। त्रिपुरा में बादरघाट उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। भाजपा उम्मीदवार मिमी मजूमदार ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बुल्टी बिस्वास को 5,000 से अधिक मतों से हराया। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार देवती कर्मा ने भाजपा की ओजस्वी मंडावी को 11,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। उधर केरल में पाला विधानसभा सीट के उपचुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा एलडीएफ के मनीष सी कप्पन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यूडीएफ के जोस्टाम को 2,943 मतों से हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र देश की तटीय और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज केरल के कोल्लम में एक समारोह में बोल रहे थे। श्री सिंह ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में बालाकोट में वायुसेना की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों को कभी भी चैन से नहीं रहने दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश सैनिकों और उनके परिवार के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिला प्रशासन ने विभिन्न अकादमिक और पेशेवर परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के वास्ते पिछले 3 सप्ताह में इंटरनेट सेवा के लिए ऑपरेटरों के साथ 6 टर्मिनल स्थापित किए हैं। इन केंद्रों पर 8,000 से अधिक छात्रों और उम्मीदवारों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। एक रिपोर्ट। श्रीनगर के उपायुक्त डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा है कि प्रशासन विद्यार्थियों को ये सुविधा उपलब्ध करवा रहा है ताकि वो विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सके और इस पर बेहद अच्छी प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त हो रही है। जहां प्रशासन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में भी इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने पर विचार कर रहा है, वहीं लाभार्थियों जिनमें अधिकतर विद्यार्थी हैं ने इस पर खुशी प्रकट की है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से आरके रैना। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair और ट्विटर हैंडल @airnewsalert पर भी उपलब्ध हैं। आज हम मिलेंगे इस गांव की पहली लड़की से, जिसने मेडिकल एग्जाम क्लियर करके अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। बधाई हो सपना। थैंक यू। तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन आपने ऐसी क्या खास तैयारी की? खास तैयारी तो बाबा ने की। बाबा ने 4 साल पहले बाबा ने घर पे इज्जत घर बनवाया, तब से बाहर नहीं जाना पड़ा और मैं स्वस्थ और सुरक्षित रह पाई और चैन से पढ़ाई कर पाई। इसी से मेरी तैयारी की शुरुआत हुई। इज्जत घर के इस्तेमाल से सपना की तरह कई और जिंदगियां बदल रही हैं। इसलिए इज्जत घर का इस्तेमाल करते रहिए, हर कोई, हर रोज, हमेशा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में पिछले 3 दिन में वर्षा से जुड़े हादसों में अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर बिहार के लगभग सभी भागों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों में भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्थिति पर नजर रखने को कहा है। भारत के परुपल्ली कश्यप कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज क्वार्टर फाइनल में उन्होंने डेनमार्क के जेन ओ जॉगेसन को 24-22, 21-18 से हराया। सेमीफाइनल में कश्यप का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान के केंटो मोमोता से होगा। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रामीण भारत को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिए आज ओडीएफ प्लस योजना का शुभारंभ किया। ये योजना ग्रामीण स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त गांवों में स्वच्छता के नए आयाम पेश करेगी। आज नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को काफी सफलता मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। कहा, मानवता के लिए विश्व को आतंक के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सामूहिक जिम्मेदारी और बहुपक्षवाद का आह्वान किया। कहा, शांति और सौहार्द समय की मांग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि के लिए सभी विभागों से विभिन्न एजेंसियों के लिए लंबित भुगतान में तेजी लाने को कहा। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में हमीरपुर और त्रिपुरा की बादरघाट सीट बरकरार रखी। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ने पाला सीट और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा सीट जीती। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी वर्षा जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।